Hi everyone, welcome to my channel Dr. Gunjan's Classes and I am Dr. Gunjan Goyal and आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर टू आपकी क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का फोर्थ पार्ट. विच पार्ट? फोर्थ पार्ट. तो हम तीन पार्ट्स इसके कर चुके हैं. सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ओके सो लेट्स सी व्हाट आर द कंटेंट्स वी आर गोइंग टू डू अंडर दिस चैप्टर. तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. सो अगर हम रिकॉल करें अपने पहले तीन पार्ट्स में क्या क्या किया है. हमने पहले एसिड्स की और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से स्टडी किया. देन हम लोगों ने पार्ट थ्री में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और पीएच के बारे में पढ़ा कि पीएच क्या होता है. ठीक है. देन एक यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्म आई थी उसके बारे में पढ़ा. सो आई होप दोज पार्ट्स आर क्लियर विद यू. एंड टुडे हम लोग पार्ट फोर करने वाले हैं इस चैप्टर का. सो इस पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं. तो हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं. एसिड्स की जो रिएक्शंस हैं उसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे. तो आपको चैप्टर नंबर वन याद होगा हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस लिखना सीखा था और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा. तो वो सारी चीजें इसमें बाय डिफॉल्ट कॉन्टिन्यू रहेंगी बट उसके साथ आपको इसकी रिएक्शंस को स्टडी करना होगा कि जब रिएक्शंस एसिड्स जो होते हैं जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट दे गिव, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म. सो ये सारे रिएक्टेंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं. इन सबको जब हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे देन व्हाट इज द प्रोडक्ट. ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा जब एसिड्स को मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा. जब एसिड्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे देन व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड. सो यू अब आप रिकॉल कर पा रहे होंगे हमारा चैप्टर नंबर वन कि हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले. रिएक्टेंट्स को हम लोग प्लस साइन के साथ लिखते हैं. जब दो रिएक्टेंट्स हैं या दो से ज्यादा हैं देन वी विल राइट प्लस साइन बिटवीन. And on the right side, we write down the products and arrowhead हमारा direction define करता है कि किस side पे chemical reaction हो रही है. Then reaction of acids, metal oxides के साथ देखेंगे and then last में हम लोग acids और bases की आपस में reaction को देखेंगे. So let's get started. So these are the chemical properties. तो अगर हम इसमें मोटा मोटा सा देखें, I'm like on the framework side we see. देन एसिड्स जब मेटल के साथ जो फर्स्ट रिएक्शन हमारी आने वाली है तो वो क्या देगा, वो एक सॉल्ट को फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा. तो आई होप आपको इस तरह से समझने में मे बी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फॉर यू. सो लेट्स कम टू द स्लाइड. तो अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ने वाले हम लोग, एसिड्स की मेटल के साथ रिएक्शन. तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं. क्या बनाते हैं? सॉल्ट. ठीक है, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ में क्या रिलीज आउट होता है, हाइड्रोजन गैस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज आउट होती है. तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग पहले सॉल्ट्स पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग मेटल ले लिया हमने जिंक. तो जिंक हमने लिया, जब जिंक को हमने एसिड यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, ये इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखी हुई है. रिएक्टेंट्स में बीच में प्लस साइन है एंड देन एरो बना के हमने राइट साइड पे प्रोडक्ट्स मेंशन किए हैं और उनकी भी फिजिकल स्टेट्स और बीच में प्लस साइन डाला हुआ. सो दिस इज योर कमिंग फ्रॉम योर चैप्टर नंबर वन. तो ये आपको पहले वो करना है देन आपको ये समझ में आएगा. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने जब किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया तो एक तो हमारा सॉल्ट बन गया. तो जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ZnCl2 एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है और इस सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब आप सोडियम लेंगे, सोडियम भी एक मेटल है,
जब आप सोडियम को एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट हो गया और इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस हमें कैसे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही बन रही है, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन होती है, गैस इवॉल्व होती है, वहां से गैस तो इवॉल्व हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गैस इवॉल्व हो रहा है जब रिएक्शन हो रही है। तो जब हम एक जलती हुई कैंडल उसके नियर बाय लेकर आते हैं, ठीक है, तो जब हम टेस्ट ट्यूब के पास में लेकर आते हैं तो एक गैस जो है वो पॉप साउंड करती है। ठीक है, दैट कंफर्म्स कि वो जो बर्निंग हो रही है पॉप साउंड के साथ, वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है कि वो बताता है कि कौन सी गैस रिलीज आउट हुई है, हाइड्रोजन गैस। सो आप इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है। दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। देन इज सेकेंड इज, हम जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड्स को रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो वो तीन चीजें बनाता है, सॉल्ट, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और कौन सी गैस दे रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट किया था, ठीक है, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट किए थे तो हाइड्रोजन गैस बनी। जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ साथ सॉल्ट और वाटर भी प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं। ठीक है, अब कार्बोनेट्स का क्या मतलब हुआ, मेटल कार्बोनेट का क्या मतलब, मेटल हो गया सोडियम, कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक है, तो जब किसी भी मेटल के साथ CO3 ग्रुप लग जाए तो वो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, जब ये मेटल कार्बोनेट एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो वो सॉल्ट बना देता है, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, नमक को बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी हमने फिजिकल स्टेट्स भी यहाँ पे लिखी हुई है। देन साथ में वो वाटर बना रहा है, वाटर के साथ साथ कौन सी गैस रिलीज आउट होगी, अभी हमने पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो ऑलवेज रिमेम्बर, जब हमारे मेटल्स जो हैं, जब वो कोई भी मेटल कार्बोनेट्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज आउट करते हैं अलोंग विद वाटर एंड सॉल्ट। तो हम सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है CSO4, वाटर बनाता है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज द सेकेंड केमिकल रिएक्शन। Then comes the reaction of acids with hydrogen carbonates. अभी हम लोग सिंपल मेटल कार्बोनेट्स की बात कर रहे थे, अब हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी सेम ही आते हैं रिजल्ट्स हमारे, जैसे कि हमारे लास्ट मेटल कार्बोनेट्स में आए, तो इसमें कोई फर्क नहीं आता। इसमें भी सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट। तो आपको कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज आउट हो रही है, और वहां पे हमें कैसे पता था हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही है। हाइड्रोजन गैस का हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो पॉप साउंड आई, ठीक है, बर्न किया पॉप साउंड करके, सो दैट मींस वो हाइड्रोजन गैस थी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ये जो टेस्ट है इसमें क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो जो गैस उसमें से पास हो रही है वहां भी हम लाइम वाटर रख देते हैं, तो लाइम वाटर से जब गैस पास करती है तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सो दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन मिल्की क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट का ये एक फीचर है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जो एसिड्स रिएक्ट करते हैं वो क्या देते हैं, वो एक सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ रिएक्शन की। सो फोर्थ रिएक्शन में हमारे क्या हो रहा है कि जब एसिड्स जो है मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते, ठीक है, जब एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर फॉर्म होता है, इसमें कोई भी गैस रिलीज नहीं होती। सो मेटल ऑक्साइड और
एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो दैट मीन्स सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर बनता है. तो मेटल ऑक्साइड जो हुए वो बेसिक नेचर के होते हैं. जब इसका क्या मतलब हुआ, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट. तो इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये आप बार बार पढ़ेंगे, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ वाटर बनता है. ठीक है, तभी तो एसिड और बेस को मिक्स कर दो तो वो सॉल्ट बन जाता है. जैसे सोडियम और क्लोरीन को मिक्स कर दो, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड मिक्स कर दिया तो सोडियम क्लोराइड हमारा टेबल सॉल्ट बन गया. ठीक है, सो अब आप देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड आ गया हमारा, ये मेटल ऑक्साइड है. जब इसको हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया और वाटर फॉर्म. सिमिलरली जब हमने जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ZnCl2 एक सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर रिलीज आउट हो गया, वाटर बन गया, वाटर फॉर्म होगा इन लिक्विड. ठीक है, देन कम्स दी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा. वही बात कर रहे थे अभी हम, मेटल ऑक्साइड जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस का काम करते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. तो जब भी ये बेस है, दिस इज अ बेस NaOH, बिकॉज OH लिखा हुआ है इसके पीछे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एसिड है बिकॉज इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ में वाटर रिलीज आउट हो जाता है. तो ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन आपको एग्जाम्स में भी आ सकती है बिकॉज ये रिपीट होती रहेगी बार बार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सो ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, होती क्या है और इसके एग्जाम्पल को याद कीजिए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की देखी. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की देखने वाले हैं, जो कि काफी हद तक सिमिलर रिजल्ट्स देंगी जो कि हमारे एसिड्स के साथ आए थे, क्योंकि हम लोग सेम चीजें देखेंगे, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे. उसके बाद हम लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जो इसमें हमने नहीं किया. सो दैट विल बी अ रेपिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ रेपिटेशन ऑफ दिस पार्ट ओनली, बट there is a difference, आपको वो reactions में समझ में आएगा. So don't say कि ये दोनों चीजें same है, जो फर्क है उस चीज को समझिए, उस reactions को लिख कर practice कीजिए, then आपको वो recall हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे cram कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, exams में फिर कुछ भी याद नहीं आ पाएगा. Always try to practice by writing it down on the paper with the help of pen, okay? Then go through your NCERT book after watching this video. Okay, and still if you're feeling any doubts, feel free to contact me. Okay, and if you like this video, then please press the like button and share this video with your friends. And don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow with the next video.